सो गई? शायद बहुत थक चुकी हैं। इन्हें सोने देते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन डोरेमोन, सुनियो का क्या होगा? स्विचिंग बार! इसकी मदद से तुम ईरी से अपने आप को बदल सकते हो। मैं समझ गया। लो नोबिता, अब तुम इसके एक किनारे को जोर से पकड़ लो। ईरी बन गया। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अब तुम सुपरस्टार ईरी हो, समझे? अरे मैं तो भूल ही गया था। अरे ईरी, तुम आ गई। हेलो, मैं हूँ ईरी। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यहाँ आओगी। माफ करना, मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं। अरे उसकी चिंता मत करो। मॉम, हमारे लिए केक और चाय लेके आइए प्लीज। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। नोबिता ने यहाँ आने के लिए ज्यादा फोर्स तो नहीं किया ना? अरे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, पर नोबिता बहुत हैंडसम है, मुझे वो बहुत पसंद है, सच में। हाँ, सच में? तुम्हारी पसंद तो बड़ी अजीब सी है। ओह, याद आया। क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगी? ऑटोग्राफ? बिल्कुल, ये लो ऑटोग्राफ। नोबिता? वो मैं नोबिता की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, इसलिए। वो एक बहुत अच्छा इंसान है। कितनी अजीब है। ये बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम अपने सारे खिलौने नोबिता को नहीं दे रहे हो? हाँ, ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये तो स्पेस फैंटेसी है, ये गेम तो बहुत डिफिकल्ट है, तुम ये गेम कैसे खेल लेते हो? इसके लिए हाई टेक्निक की जरूरत है, जो कि नोबिता के बस की बात नहीं है। हाँ, क्या कहा तुमने? जिन खिलौनों से मैं बचपन में खेला करता था, शायद उनसे वो आज खेलता है। मुझे हाईटेक चीजें बहुत पसंद हैं। नोबिता तो मेरा जरा भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्यों, है ना? नोबिता तुम्हारा बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। नोबिता स्पेस फैंटेसी आसानी से खेल सकता है। सुनियो, तुम कितने गंदे हो। मैं बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मैंने सोचा था। अरे डोरेमोन, तुम यहाँ? बोलो क्या बात है? ईरी वापस घर जाना चाहती है। अच्छा ठीक है। मुझे बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रुक कर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।